हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स इस टॉपिक को समझेंगे। और जुडिशियल सेपरेशन को, हालांकि हमने जुडिशियल सेपरेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बेयर एक्ट के थ्रू लाइन बाय लाइन अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझ लिया है, आज हम जुडिशियल सेपरेशन को पॉइंट वाइज समझेंगे कि अगर शॉर्ट नोट्स आता है जुडिशियल सेपरेशन के ऊपर तो किस तरह से आप चीज़ों को प्रेजेंट करोगे। उसके पहले हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स को, जितने भी सेक्शंस को कवर किया है उन्हें एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डील करता है कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज 5 कंडीशंस हैं, हमने डिटेल में इस सेक्शन को कवर किया है। सेक्शन 6 डील करता है गार्जियनशिप इन हिंदू मैरिज, जो कि रिपील हो चुका है। सेवन सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापन या वैवाहिक अधिकारों का पुनः स्थापन। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, और सेक्शन 11 इसे भी हमने कवर किया है, विच इज वॉइड मैरिज। राइट, तो 5 कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज, 6 रिपील हो चुका है, 7 सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज, 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज, 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, 10 जुडिशियल सेपरेशन, 11 वॉइड मैरिज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स? जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स के बीच क्या डिफरेंस है? जुडिशियल सेपरेशन से जुड़े जो प्रोविजंस हैं वो हैं सेक्शन 10 में, वहीं डाइवोर्स का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 13। राइट, जुडिशियल सेपरेशन के लिए आइदर हस्बैंड और वाइफ पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं एट एनी टाइम, किसी भी समय आफ्टर सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। तो विवाह संपन्न होने के बाद किसी भी समय हस्बैंड या वाइफ जुडिशियल सेपरेशन के लिए कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्लियरली ये कहता है कि नो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज, विवाह के 1 साल के अंदर अंदर कोई भी डाइवोर्स का पिटीशन प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो डाइवोर्स के लिए जो पिटीशन प्रेजेंट किया जाएगा वो आफ्टर 1 ईयर ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज, बट देर इज नो टाइम लिमिट रिक्वायर्ड फॉर जुडिशियल सेपरेशन। तो ये एक डिफरेंस है। ड्यूरिंग द डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन
जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है जिस भी टाइम ऑफ पीरियड के लिए पास की गई है, से फॉर एग्जांपल जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है वो एक साल के लिए पास की गई है बाय द कोर्ट, तो विद इन दिस वन ईयर, इस एक साल के अंदर अंदर जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो सेकेंड मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन इज नॉट द परमानेंट एंड ऑफ मैरिज, इट इज मेयरली सस्पेंशन ऑफ मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। वैवाहिक दायित्व, वैवाहिक अधिकारों का सस्पेंशन होता है कुछ समय के लिए, लेकिन जो मैट्रिमोनियल बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर, वो खत्म नहीं होता है, उसका एग्जिस्टेंस अभी भी बना रहता है जुडिशियल सेपरेशन में। तो जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री के समय हस्बैंड या वाइफ सेकंड मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट कर देगी। एंड वंस द डिक्री ऑफ डाइवोर्स हैज बीन ग्रांटेड, इट मीन्स देयर इज परमानेंट एंड ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, यानी अब उनका जो मैरिज है वो लीगली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डाइवोर्स की डिक्री के बाद ही दोनों पार्टीज शादी कर सकते हैं, जिसे मन करे उससे। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन इज टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, वेयर एज डाइवोर्स इज परमानेंट एंड ऑफ मैरिज। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का सब क्लॉज 1 क्या कहता है? सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 1 कहता है कि देयर हैज बीन नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन एज बिटवीन द पार्टीज टू द मैरिज। There has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after passing of decree of judicial separation in proceedings to which they were parties. Simple. Judicial separation ki jo decree pass ki gayi thi, वो डिक्री अब एक्सपायर हो चुकी है और एक साल और बीत गया है, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ के बीच कोहैबिटेशन अभी भी नहीं हुआ है। दे स्टिल नॉट लिविंग टुगेदर आफ्टर पासिंग ऑफ 1 ईयर और अपवर्ड्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स के लिए। सपोज करो कि वाइफ इज नॉट लिविंग विथ हस्बैंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, तो ये एक ग्राउंड है हस्बैंड के लिए कि हस्बैंड अब डाइवोर्स की डिक्री भी ले सकता है, कोर्ट से डाइवोर्स का पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, नाउ इन कंक्लूजन व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन। तो पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो पहला पॉइंट, इट डज नॉट डिसॉल्व द मैट्रिमोनियल बॉन्ड बट सस्पेंड्स इट टेम्पोररली, कुछ समय तक सस्पेंड हो जाता है मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि जो चीजें हैं वो फिर से नॉर्मल हो सके और उनके बीच पहले जैसी बॉन्डिंग हो सके। द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज बेसिकली टू प्रिजर्व द मैरिज, टू प्रिजर्व द मैट्रिमोनियल बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। दूसरा,
merely suspends the marital rights and obligations during subsistence of decree. तो जिस भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास की गई है, केवल उसी पीरियड ऑफ टाइम तक हस्बैंड एंड वाइफ का मैरिटल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सस्पेंड रहेगा, राइट. तीसरा, मैंडेट्स दैट पार्टी स्टिल कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ बट नॉट ऑब्लाइज्ड टू लिव टुगेदर. जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो स्टेटस होता है, वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह ही होता है, लेकिन उन्हें अपने मैरिटल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं करना होता है. उस डिक्री के एनफोर्सिबिलिटी तक, ठीक है, तो देयर इज लीगल स्टेटस ऑफ मैरिज. उनका मैरिज बना रहता है, बस उनका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एज हस्बैंड एंड वाइफ वो खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए. प्रोवाइड्स दैट इफ पार्टीज हैव नॉट रिज्यूम्ड कोहैबिटेशन फॉर अ पीरियड ऑफ वन ईयर, आइदर पार्टी मे सीक डाइवोर्स. तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद भी एक साल बीत जा रहा है और दोनों के बीच कोहैबिटेशन नहीं हो पा रहा है, तो आइदर पार्टी मे अप्रोच द कोर्ट फॉर पिटिशन ऑफ डाइवोर्स. ठीक. हिंदू कपल हैविंग डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन वॉन्ट्स टू लिव टुगेदर, दे कैन लिव टुगेदर ओनली आफ्टर परमिशन ऑफ द कोर्ट. तो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो गई है, जिस भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए पास हुई है, उस बीच अगर जो हिंदू कपल्स हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, तो जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो दोबारा से रहना चाह रहे हैं एक साथ, तो कोर्ट के परमिशन से वो एक साथ रह सकते हैं. Forced intercourse by a man with his wife while a decree of judicial separation is punishable under section 376 BIPC but is not considered as rape. During the period of judicial separation, agar husband forcefully intercourse karta hai apne wife se, to ye ek punishable offense hai. इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है अंडर सेक्शन 376 बी ऑफ आईपीसी, बट इट इज नॉट अ रेप. ये एक रेप नहीं है. कोहैबिटेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी आफ्टर पासिंग ऑफ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन. तो वही बात है, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद दोनों के बीच कोहैबिटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों आपस में एक साथ फिर से रहना चाहते हैं तो कोर्ट के परमिशन से वो दोनों रह सकते हैं. एडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर बोथ डाइवोर्स एज वेल एज जुडिशियल सेपरेशन. Now, what is the time limit for judicial separation? Judicial separation की जो decree होती है वो कितने समय के लिए pass की जाती है? तो basically court एक साल तक के लिए judicial separation की decree pass करता है, और court भरसक प्रयास करता है कि जो couples हैं उनके बीच का जो misunderstanding है, जो matrimonial dispute है, वो खत्म हो जाए और उनके बीच फिर से वही बॉन्डिंग बन जाए, फिर से वो एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रहने लगे. तो दिस इज ऑल अबाउट जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स. अब अपने नेक्स्ट वीडियोस में जब हम सेक्शन 13 को कवर करेंगे, तो वहां हम डाइवोर्स के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली समझेंगे. तो आई होप कि जो बेसिक डिफरेंस है डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन के बीच, वो आपको समझ में आ गया होगा.
तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।